सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ की सरबराही में डेंगू मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में डेंगू वायरस फैल चुका है। डेंगू की वजह से बहुत से लोगों की सेहत मुतासर हो रही है। डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर अख्तर मलिक की सरबराही में डेंगू मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें इस वायरस पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का जायजा लिया जा रहा है। सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक ने दावा किया है कि पीटीआई हुकूमत ने अपने दौर में डेंगू के खात्मे के लिए मुस्लिम लीग नून के दौर से ज्यादा काम किया है। पीटीआई हुकूमत ने डेंगू की रोकथाम पर ज्यादा तवज्जो दी है। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल, डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। सूबाई वजीर ने कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में सूबे में 2 करोड़ 4 लाख, जबकि इसके मुकाबले में पीटीआई हुकूमत के 3 माह में 7 करोड़ 92 लाख डेंगू सर्वेलेंस सरगर्मियां हुई हैं।